हाय दोस्तों, तो आप लोग भी मुझे काफी टाइम से कह रहे थे, मैं भी काफी टाइम से एक एनालिसिस करना चाह रहा था कि बेस्ट फोन अंडर 10,000, बेस्ट फोन अंडर 15,000 कौन सा है। मैं वेट कर रहा था एक बार सारे फोन लॉन्च हो जाएं। आज फाइनली Redmi 9 लॉन्च हो गया है। 9,000 रुपए उसका प्राइस रख दिया है Redmi ने, और मेरे हिसाब से अंडर 10,000 अब सारे मेजर ऑप्शंस जो हमारे पास आने थे इस साल के वो आ गए हैं। इनमें से काफी सारे फोन मेरे पास यहाँ पे हैं भी, जो मैं यहाँ पे यूज भी कर चुका हूँ। तो आज हम करेंगे पूरा एनालिसिस एक बेस्ट फोन अंडर 10,000। देखेंगे गेमिंग किसमें अच्छी है, कैमरा किसमें अच्छा है, बैटरी किसमें अच्छी है, और क्या छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कोई भी एक फोन खरीदने से पहले। और ट्राई करेंगे आंसर करना कि अगर आपका बजट है 8,000, 9,000 या 10,000, कौन सा एक फोन सबसे ज्यादा सेंस आपको बनाएगा इन सारे ऑप्शंस में से। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज भाई, वैसे तो ज्यादातर फोन्स जिनकी मैं यहाँ पे बात करूंगा मैंने खुद यूज करे हैं या टेस्ट करे हैं, पर कुछ फोन्स ऐसे हैं जैसे गैलेक्सी M01 मैंने यूज नहीं करके देखा है, Redmi 9 मेरे पास अभी तक आया नहीं है। तो इनके बारे में मैं आपको बस अपना ओपिनियन बता दूंगा और कि प्राइसिंग के हिसाब से ये कैसे फिट होते हैं। तो सबसे पहले कुछ स्पेशल ऑप्शंस की मैं बात करना चाहता हूं। Moto One Macro, Realme 5, Redmi Note 7, ये तीनों पिछले साल के फोन्स हैं, इनके सबसे अपडेटेड प्राइस 10,000 से कम है। तीनों में आपको अच्छे स्पेक्स मिल रहे हैं, तगड़े प्रोसेसर भी मिल रहे हैं। Redmi Note 7 में तो आपको ग्लास बॉडी भी मिल रही है, बट इनको मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि भाई मोस्टली आउट ऑफ स्टॉक रहते हैं। पर अगर आपको इनमें से कोई भी खरीदने का मौका मिल रहा है किसी वेबसाइट से या किसी ऑफलाइन रिटेलर के थ्रू और आपको 10,000 से कम प्राइस पड़ रहा है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट ऑप्शंस रहेंगे ज्यादातर लोगों के लिए। इसके अलावा एक और फोन यहाँ पे है, Honor 9A, ये एकदम ब्रांड न्यू लॉन्च है। यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो 10,000 के प्राइस पे आपको Helio P22 मिल रहा है जिसको भी मैं बिल्कुल वर्थ इट नहीं मानूंगा। दूसरी चीज वही, यहाँ पे आपको गूगल प्ले सर्विसेज का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो आपको एप्स वगैरह इंस्टॉल करने में और मेंटेन करने में काफी दिक्कत हो सकती है। तो इन सारे फोन्स को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। मैंने 12 ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं आपके लिए। सबसे सस्ता ऑप्शन है यहाँ पे Realme C11। इनफैक्ट 8,000 से कम प्राइस में आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, उसके बाद 8 से 9,000 के बीच में आपको 3-4 ऑप्शंस मिल जाएंगे, और सबसे ज्यादा ऑप्शंस आपको 9,500, 10,000 प्राइस पे ही मिलेंगे। तो यहाँ पे इन सारे फोन्स के बारे में आप ज्यादातर चीजें जानते ही हो, मैं सबके स्पेक्स आपको अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक साथ सबकी समरी देखेंगे, पूरा कंपेयर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर हम स्टोरेज की बात करें तो अगर आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज चाहिए तो ज्यादातर ऑप्शंस आपको 10,000 प्राइस पे ही मिलेंगे। इनफैक्ट सिर्फ Redmi 9 ऐसा ऑप्शन है जो 9,000 प्राइस पे आपको 4GB रैम 64GB स्टोरेज दे रहा है। इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो सारे फोन्स पे 720p डिस्प्ले है, सिर्फ Redmi 9 प्राइम है जो आपको फुल HD डिस्प्ले देगा। प्रोसेसर्स की बात करते हैं तो सबसे वीक प्रोसेसर यहाँ पे है Helio A25, उससे बस थोड़ा सा बेटर है Helio P22। Helio P35 Helio P22 का थोड़ा सा बस ओवरक्लॉक्ड वर्जन है, और Helio G35 एकदम सेम है Helio P35 जैसा। अब Snapdragon 439 को भी आप सेम लेवल का मान सकते हो, बट यहाँ पे ग्राफिक्स परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर होगी शायद क्योंकि Adreno GPU हमें मिल रहा है। और एक्चुअल ढंग के प्रोसेसर्स की बात करें जिसपे आप गेमिंग वगैरह कर सकते हो तो सिर्फ 3 फोन पे वो हमें मिल रहा है। बैटरी की बात करते हैं, ज्यादातर फोन्स में हमें 5000mAh की बैटरी मिल रही है। Realme C12, C15 और Infinix Smart 4 पे हमें 6000mAh की बैटरी मिल रही है, और Galaxy M01 और Oppo A12 सबसे पीछे यहाँ पे रह जाते हैं। चार्जिंग की बात करते हैं तो सिर्फ Realme C15 और Redmi 9 Prime पे हमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, बट 9 Prime में आपको फास्ट चार्जर अलग से लेना पड़ेगा। Realme C15 अकेला फोन है जिसमें आपको बॉक्स में फास्ट चार्जर मिलता है। कैमरास की बात करते हैं तो अगेन सिर्फ Redmi 9 Prime और Realme C15 में आपको प्रॉपर क्वाड कैमरा सेटअप मिल रहा है वाइड एंगल के साथ भी, बाकी सारे फोन में आपको मोर और लेस बराबर से ही ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो ये है पूरी स्पेक्स की समरी, ग्रीन कलर से मैंने हाईलाइट करी हुई है जो पॉजिटिव चीजें आपको किसी किसी फोन में मिल रही हैं। सारे फोन्स को मैंने 4 चीजों पे रेटिंग दी है। पहला है परफॉर्मेंस और गेमिंग, दूसरा है कैमरा, फिर है बैटरी, और फाइनल चीज है वैल्यू फॉर मनी। तो स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। यहाँ पे Redmi 9 Prime Narzo 10A को फुल 10 मार्क्स मिलेंगे। पावरफुल प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल रहा है और 4GB रैम 64GB स्टोरेज भी आपको मिल रही है, तो गेमिंग वगैरह करने के लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शंस आपके पास हैं। प्रोसेसर आपको Realme C3 पे भी तगड़ा मिल रहा है, बट यहाँ पे रैम 3GB मिल रही है इसलिए इसका एक पॉइंट मैंने काट लिया है। Helio G35 वाले सारे फोन्स को मैं एक साथ रखूंगा, Redmi 9 को एक पॉइंट एक्स्ट्रा इसलिए मिला है क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 4GB रैम आपको मिल रही है। सबसे पीछे रहेंगे Infinix के फोन जिसमें सबसे बेकार प्रोसेसर आपको मिल रहे हैं। कैमरास पे आ जाते हैं तो अगेन Redmi 9 Prime, Realme C15 अकेले फोन हैं जिसमें प्रॉपर क्वाड कैमरा आपको मिल रहा है, इनको मिलेंगे फुल मार्क्स। और वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं है कैमरा परफॉर्मेंस में सारे फोन की। Moto G8, Realme C12, Narzo 10A को मैंने एक मार्क्स एक्स्ट्रा दे दिया है क्योंकि यहाँ पे हमें मैक्रो सेंसर्स भी मिल रहे हैं, और Infinix फोन्स की जब मैंने कैमरा टेस्टिंग करी थी तो काफी खराब वहाँ पे इमेज प्रोसेसिंग है इसलिए उनको सबसे कम मार्क्स मिले हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं बैटरी लाइफ पे, तो Realme C15 यहाँ पे टॉप पे है, सबसे बड़ी बैटरी भी मिल रही है, फास्ट चार्जर बॉक्स में मिल रहा है। Realme C12, Infinix Smart 4 में हमें बैटरी तो बहुत बड़ी मिल रही है बट फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है इसलिए उनका एक पॉइंट कट गया है। Redmi 9 Prime में फास्ट चार्जिंग मिल रही है बट बैटरी थोड़ी छोटी है इसलिए उसका भी एक पॉइंट कम है। सारे 5000mAh बैटरी वाले फोन
फोन्स को मैं एक लेवल पे मानूंगा और सबसे पीछे आएंगे सबसे छोटी बैटरी वाले दोनों फोन्स। अब इनमें से काफी सारे फोन्स का बैटरी टेस्ट मैंने ऑलरेडी करा हुआ है, लिंक आपको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगा। लास्ट चीज आते हैं वैल्यू फॉर मनी पे। यहाँ पे सबसे नीचे आएगा इन्फिनिक्स हॉट 9। मतलब यार 10,000 के प्राइस पे आप हीलियो P22 दे रहे हो, बिल्कुल ही नहीं बनता है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 में भी आपको हीलियो A25 मिल रहा है 8,000 के प्राइस पे। रियलमी उससे 500 रुपए कम में आपको हीलियो G35 दे रहा है, जो कि एक काफी बेटर चिपसेट है। ओप्पो A12 भी बिल्कुल सेंस नहीं बनाता है, 10,000 रुपए में 3GB 32GB बस आपको मिल रहा है हीलियो P35 के साथ। और ओप्पो के 2-3 और मॉडल हैं, बेसिकली सब में सेम ही स्पेक्स मिल रहे हैं। ओप्पो A5S है, A12 है, वीवो की तरफ से भी 1-2 मॉडल है वाई सीरीज के। सब में बेसिकली स्पेक सेम है, सबको मैं सेम लेवल पे ही रखूंगा। सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी वाले 5 फोन्स आपको बताऊं तो रियलमी C3, नार्जो 10A है जो आपको बढ़िया गेमिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, रेडमी 9 है जो आपको 9,000 में 4GB 64GB दे रहा है, रियलमी C15 है जो आपको क्वाड कैमरा सेटअप और फास्ट चार्जिंग दे रहा है। पर सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑब्वियसली है रेडमी 9 प्राइम, जिसमें आपको प्रोसेसर भी तगड़ा मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग भी मिल रही है, 1080p डिस्प्ले मिल रही है और 464 ऑप्शन भी मिल रहा है। तो बात करते हैं ओवरऑल स्कोर्स की। सबसे पीछे आए हैं इन्फिनिक्स हॉट 9, इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस, और ये दोनों ही फोन्स यार मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जो इनका प्राइस है उसमें आपको बाकी जो भी ऑप्शंस मिल रहे हैं सब में बेटर वैल्यू फॉर मनी, बेटर फीचर्स आपको मिल रहे हैं। इनसे थोड़ा सा ऊपर खत्म किया है ओप्पो A12 गैलेक्सी M01 ने। अगेन ओप्पो A12 तो बिल्कुल आपको रेकमेंड नहीं करूंगा, बहुत महंगा है फीचर्स के हिसाब से। गैलेक्सी M01 का प्राइस अभी थोड़ा सा कम हो गया है, और अगर आपको सैमसंग का ही फोन खरीदना है तो आप इसे फिर भी कंसीडर कर सकते हो। एक चीज आपको याद रखनी है, सैमसंग का सॉफ्टवेयर थोड़ा हैवी होता है, तो हो सकता है ये फोन आपको थोड़ा स्लो फील हो बाकी फोन्स के कंपैरिजन में। पर एक चीज है कि यहाँ पे हमें स्नैपड्रैगन प्रोसेसर मिल रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ जो गेमिंग परफॉर्मेंस होगी वो हीलियो P35, हीलियो G35 से थोड़ी बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आएगा रियलमी C11, और आई थिंक इस टाइम अगर आप अंडर 8,000 एक फोन ढूंढ रहे हो तो ये बेस्ट ऑप्शन है। बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, कैमरास ठीक ठाक मिल जा रहे हैं, वो ये है बस यहाँ पे प्रोसेसर उतना तगड़ा नहीं है, बट फिर भी बेसिक गेमिंग आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। अब 8,000 से ऊपर वाले फोन्स की बात करें तो मोटो G8 पावर लाइट को आप एक डिसेंट ऑप्शन मान सकते हो, अगर आपको बहुत जरूरी है स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस। और एक अच्छी बात है कि यहाँ पे आपको 4GB 64GB ऑप्शन मिल रहा है सीधा। उसके अलावा काफी सारी चीजों में पीछे रह जाता है, डिस्प्ले सिर्फ 720 है, हीलियो P35 प्रोसेसर आपको मिल रहा है, और वाइड एंगल कैमरा, फास्ट चार्जिंग, ये सब आपको कुछ नहीं मिल रहा है जो बाकी 10,000 वाले फोन हमें दे रहे हैं। अब 9,000 के प्राइस पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाएंगे। रियलमी C12 में आपको सबसे बड़ी बैटरी मिल रही है, रियलमी C3 में आपको सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है, और रेडमी 9 में आपको 464 वाला ऑप्शन मिल रहा है। और ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी के हिसाब से देखूं तो मेरे हिसाब से रियलमी C3 बेस्ट पिक है यार, क्योंकि हीलियो G35 की परफॉर्मेंस मुझे थोड़ी ज्यादा ही स्लो लगी डे टू डे कामों के लिए भी। अगर आपको बिल्कुल पक्का है कि आप गेमिंग वगैरह बिल्कुल नहीं करते हो और आपको बहुत हल्के बहुत यूज के लिए चाहिए फोन, तो फिर रेडमी 9 आपके लिए ज्यादा सेंस बना सकता है, और स्टोरेज भी ज्यादा मिल रही है तो आपको मेमोरी कार्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर यार सही बताऊं तो रेडमी 9 की प्राइसिंग से मैं उतना ज्यादा खुश नहीं हूं, क्योंकि इसमें सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा देके आपको डिस्प्ले बेटर मिल रहा है, प्रोसेसर बहुत ज्यादा बेटर मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी आपको मिल रहा है, क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिल रहा है। तो मतलब बिल्कुल मुझे समझ नहीं आया कि कोई 1,000 रुपए कम देके इतना वीक फोन क्यों लेगा। खैर इससे आ जाते हैं आज के टॉप 3 फोन्स पे, रेडमी 9 प्राइम, रियलमी C15, नार्जो 10A। तीनों फोन्स आपको ये एग्जैक्ट 10,000 के मिलेंगे। नार्जो 10A में आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है, 4GB रैम वाला आपको मॉडल मिल जाएगा, हीलियो G70 प्रोसेसर है, आप गेमिंग बहुत आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको गेमिंग में उतना इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ी बहुत स्लो परफॉर्मेंस आपको चल जाएगी, बट आपको बैटरी और बड़ी चाहिए, फास्ट चार्जिंग चाहिए और कैमरास अच्छे चाहिए, पूरा क्वाड कैमरा सेटअप, वाइड एंगल, मैक्रो, हर चीज के साथ, तो रियलमी C15 आप खरीद सकते हो। पर वही बात आ जाती है कि ये चॉइस आपको करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आज का हमारा विनर जो है उसमें ये दोनों चीजें आपको मिल रही हैं। रेडमी 9 प्राइम में आपको 4GB 64GB भी मिल रहा है, फुल HD डिस्प्ले मिल रही है, प्रोसेसर पावरफुल मिल रहा है, फास्ट चार्जिंग मिल रही है, क्वाड कैमरा सेटअप पूरा मिल रहा है वाइड एंगल वगैरह के साथ। तो क्लियरली अंडर 10,000 बेस्ट वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन है Redmi 9 प्राइम। और फिर से मैं वही बात बोलूंगा यार, अगर आप Redmi 9 खरीदने का सोच रहे हो तो प्लीज ट्राई करो कि आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के Redmi 9 प्राइम ले पाओ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हैं यहाँ पे। और Redmi 9 प्राइम का प्राइस देख के Redmi 9 डेफिनेटली 8,000-8,500 से ऊपर का प्राइस डिजर्व नहीं करता है। तो फाइनल निष्कर्ष भाई यही है, अगर आपका 10,000 बजट है और आप एक बेस्ट फोन ढूंढ रहे हो तो Redmi 9 प्राइम सबसे अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पे सारी फीचर जैसे मैंने आपको समझा है, उसके अलावा कुछ और छोटी छोटी चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है, जैसे इंफ्रारेड ब्लास्टर आपको मिल रहा है, डुअल बैंड वाईफाई का सपोर्ट भी मिल रहा है। तो ओवरऑल 10,000 के हिसाब से एक कंप्लीट पैकेज है ये। इस फोन की बस वही एक प्रॉब्लम है कि सिर्फ ये फ्लैश सेल में अवेलेबल है, और मेरा भरोसा बिल्कुल उठ चुका है फ्लैश सेल से। मुझे लगता है इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए ये चीजें। क्या फायदा भाई इतने सारे
फोन लॉन्च करने का अगर 5-5 सेकंड में स्टॉक खत्म हो जा रहा है फोन्स का, तो वही बात है भाई, बेस्ट फोन है ये अंडर 10,000 पर तभी है अगर आप इसको खरीद पाओ एक्चुअली। अगर आप 10,000 तक बजट स्ट्रेच नहीं कर सकते हो, 9,000 के अराउंड आप खर्च करना चाहते हो, तो फिर आपके पास बेस्ट ऑप्शन बन जाता है या तो नार्जो 10A या फिर रेडमी 9। नार्जो 10A में आपको प्रोसेसर बेटर मिल रहा है तो परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी, गेमिंग आप इस पे आराम से कर पाओगे, पर इसकी प्रॉब्लम है कि 9,000 में आपको 32GB स्टोरेज वाला मॉडल मिलेगा, तो अगर आपको उससे ज्यादा मेमोरी चाहिए आपको माइक्रो एसडी कार्ड यूज करना पड़ेगा। गेमिंग अगर आपको नहीं करनी है और थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस पे आप हिट ले सकते हो तो फिर आप Redmi 9 कंसीडर कर सकते हो। यहाँ पे आपको 464 वाला मॉडल मिल रहा है 9,000 में, गेमिंग उतनी अच्छी नहीं होगी बट बाकी सब काम के लिए बढ़िया है फोन। अगर आप उससे भी थोड़ा नीचे 8,000 के अराउंड फोन ढूंढ रहे हो तो अगेन दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है Realme C11, यहाँ पे आपको ठीक ठाक कैमरा मिल रहे हैं, बड़ी बैटरी मिल रही है और मतलब नॉर्मल यूजेज के लिए इसके प्राइस के हिसाब से मैं इसे एकदम बढ़िया बोलूंगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आ जाता है सैमसंग का गैलेक्सी 01, पहले बहुत ओवर प्राइस था वो फोन, अभी उसका प्राइस कम होकर 8,400 तक आ गया है। हिसाब से 8,000 तक अगर वो फोन मिल जाए तो उसको आप एक डिसेंट ऑप्शन मान सकते हो। एक तो सैमसंग की ब्रांड वैल्यू आपको मिल रही है, ऊपर से स्नैपड्रैगन प्रोसेसर उसमें मिल जाता है। तो ये है मेरी तरफ से फाइनल विनर्स 8,000, 9,000 और 10,000 के प्राइस पॉइंट पे। आप बताओ आपके क्या ख्याल है इनके बारे में। मैंने ट्राई किया है इस वीडियो से मैं आपके सारे डाउट सॉल्व कर दूं। ऑब्वियसली अगर आपके पास अभी भी कुछ डाउट्स हैं नीचे मुझे जरूर कमेंट करके बताना या फिर ट्विटर पे तो आप मुझसे बात कर ही सकते हो। और इस सेम एनालिसिस वीडियो अगर आपको किसी और प्राइस सेगमेंट के लिए देखनी है नीचे कमेंट करना, जिस सेगमेंट के सबसे ज्यादा कमेंट होंगे उस पे फटाफट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए